हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन हमारे का कबूतर से ज्ञा ज्ञानी तक होते हैं, तो इसे हमने एक एक वर्ग में डिवाइड करके भाग में डिवाइड करा है ताकि हम आसानी से इसे समझ सके। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे का से लेके ज्ञा ज्ञानी तक होते हैं, पर इस वीडियो के अंदर हम का से लेके अणे खाली तक ही पढ़ेंगे। पहला व्यंजन होता है हमारा का। का से कबूतर, का से कमल, का से कलश, का से कसरत। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जनरली बच्चों को स्कूल में यही कराया जाता है, तो इसलिए मैंने इसी की ही पिक्चर बनाई है, इसके ऊपर ही वर्कशीट तैयार करी है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। खा, दूसरा व्यंजन होता है हमारा खा। खा से खरगोश, खा से खाट, खासे खटमल, खासे खजाना। तीसरा व्यंजन होता है हमारा गा। गा से गमला, गा से गज, गा से गरम, गा से गगन। चौथा व्यंजन है हमारा घा। घा से घर, घा से घड़ी, घा से घड़ा, घा से घोड़ा। आप और भी एग्जाम्पल करा सकते हैं बच्चे को, पर यह है कि जिन एग्जाम्पल को स्कूलों में कराया जाता है, फिर आगे हम इसकी वर्कशीट देखेंगे, मैचिंग करने के लिए आएगी, सर्कल करने के लिए आएगा, तो जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी को हम उसमें प्रैक्टिस कराएंगे। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। अणे खाली, इससे कोई भी शब्द नहीं बनता है, पर यह हमारा अंक की बिंदी के लिए यूज होता है। गंगा, गंगा में जो बिंदी है वो हमारा अणे खाली है। रंग, पतंग, जंगल। चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। अब यहाँ पे हमारे पास कबूतर का चित्र है, तो हमें बच्चे से पूछना है यहाँ पे हमारे पास इससे पहले क्या आएगा। का, का कबूतर। खा, खरगोश। अब यहाँ पे हमारे पास किसका चित्र है, गमले का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गा, गा गमला। घा, घर। मिलान करा है, यहाँ पे हमने चार चित्र दिए हुए हैं, चार यहाँ पे व्यंजन लिखे हुए हैं, जो सही व्यंजन है उससे चित्र का मिलान करना है। ये क्या है हमारे पास, किसका चित्र दिया हुआ है, गज का, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हमारा गा कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इससे हम इसकी मैचिंग कर देंगे, मिलान कर देंगे। का कमल, का कमल, इससे बच्चे को व्यंजन को पहचानना भी आएगा। बार बार ये रिपीट करते हैं, हम मैचिंग करने के लिए बोलेंगे, सर्कल करने के लिए बोलेंगे, तो बच्चा बार बार इन्हें देखेगा तो उसे आसानी से समझ में भी आएगा और थोड़ा याद भी रहेगा। खासे खटमल, घासे घोड़ा। यहाँ पे भी हमारे पास फिर से मिलान करने के लिए बोला गया है। पहला चित्र हमारा है कलश का, का से कलश। दूसरा चित्र है हमारा घड़ी का, घा से घड़ी। तीसरा चित्र है हमारे पास गगन का, गा से गगन। चौथा चित्र है हमारे पास खजाना, खा से खजाना। सही अक्षर पर गोला लगाओ। अब यहाँ पे हमारे पास चित्र दिया हुआ है, चार अक्षर लिखे हुए हैं, चार व्यंजन लिखे हुए हैं। ये जो भी सही अक्षर है इसका, पहला अक्षर जिससे ये चित्र का नाम स्टार्ट होता है, उस पर हमें गोला लगाना है। यहाँ पे ये हमारा किसका चित्र है, कबूतर का, तो का कबूतर, तो इसमें से जो भी हमारा सही होगा उस पर गोला लगाएंगे, का कबूतर। ये हमारे पास किसका चित्र बना हुआ है, घड़ा, घा से घड़ा। देखिए हमारे पास इन चारों व्यंजन में से कहां पर घड़ा, घा से घड़ा है, ये रहा, तो सही आंसर क्या है, घा से घड़ा। ये हमारा क्या है, घा से गरम, घा से गरम, पहला व्यंजन ही हमारा सही है, तो हम इस पे गोला लगा देंगे। फिर से हमें क्या करना है, सही अक्षर पर गोला लगाना है। ये हमारा खा से खाट, तो हमें इन चारों में से देखना है खा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा हमारे पास खा, तो हम इसको
सर्कल कर देंगे। आप अपने बच्चे को सर्कल करने के बजाय टिक लगाने को भी बोल सकते हैं, जैसा भी स्कूल में कराया जाए उसके तो उस तरह से ही प्रैक्टिस कराइए। घासे गमला, घासे घड़ी। सही चित्र पर टिक का निशान लगाना है और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। यहाँ पे हमारे पास का व्यंजन दिया हुआ है, दो चित्र दिए हुए हैं, इन दोनों में से एक चित्र सही है और एक गलत है। जो सही है उस पे हम टिक का निशान लगाएंगे और जो गलत है उस पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। दूसरा दिया हुआ है हमारा घा, घासे, ये क्या है हमारा, घासे गमला, घासे घड़ी। ये वर्कशीट इस तरह से तैयार की है कि बच्चा बार बार चार ही व्यंजन, पांच ही व्यंजन जब रिपीट करेगा एक दिन में उसको वो लर्न हो जाएंगे। चार पांच ऑप्शन हमने बनाए हैं, वो चार पांच ऑप्शन भी लर्न हो जाएंगे, जैसे का से कबूतर, का से कमल, का से कलश, का से कसरत। उसको गोला लगाने के लिए चित्र पे भी दिया है, क्रॉस लगाने के लिए, राइट लगाने के लिए, और अक्षर पे भी गोला लगाने के लिए बोला गया है। जब ये एक्टिविटी बच्चा बार बार करेगा तो उसके माइंड में बार बार रिकॉल होंगी ये चीजें, उसको लर्न हो जाएगा। घासे घड़ी, हम इस पे राइट का निशान लगाएंगे। सेम पहले वाले पेज की तरह गा से गज, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ये का से कबूतर होता है पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गा, तो हमारा इसको क्रॉस कर देंगे। खा से खरगोश, ये क्या है, घा से घड़ा, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।